अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं विंडोज 10 के ISO फाइल को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के जरिए, तो इस ट्रिक के जरिए आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे ISO फाइल को। ओपन कर लीजिए अपना ब्राउजर, टाइप करिए विंडोज, सर्च कर लीजिए। इसके बाद आप क्लिक करिए सेकंड डाउनलोड लिंक पे जहां पर लिखा है विंडोज 10 डिस्क इमेज, और ये हमारा वेब पेज लोड हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऑप्शन शो कर रहा है अपडेट नाउ, और दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड टूल नाउ। मोर डाउनलोड्स में हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें ISO कहीं शो नहीं कर रहा है। प्राइवेसी टैब पे भी डाउनलोड्स पे हमने देख लिया, यहाँ भी ISO शो नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपके जो टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन कर लीजिए मोर टूल्स, मोर टूल्स के बाद डेवलपर टूल्स खोल लीजिए, तो ये कॉन्सोल ओपन होगा। यहाँ पर भी आ जाइए, तीन डॉट में क्लिक कर लीजिए, आ जाइए मोर टूल्स पे और ओपन कर लीजिए नेटवर्क कंडीशंस। सेकंड टैब को स्क्रॉल कर लीजिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूज़र एजेंट है जिसमें टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर लीजिए और मैन्युअली सेलेक्ट कर लीजिए क्रोम आईपैड। जब आप ऐसा कर लेंगे तो वेब पेज को रिफ्रेश करिएगा, और रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कुछ लाइनें ऐड हो चुकी हैं वेब पेज में, जैसे 10 ISO। क्लोज कर लेता हूँ मैं ये, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, चूज़ कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमें लैंग्वेज चूज़ का ऑप्शन आ रहा है, आप अपनी सुविधा अनुसार लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर 32 बिट या 64 बिट आप जिस भी वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने विंडोज 10 के ISO फाइल को। अगर ये गाइड आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू अ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।